हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 3, जो कि है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आने के पीछे का रीज़न क्या था, और फर्स्ट रिफॉर्म लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनका ओनरशिप को चेंज करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना, ठीक है, इसलिए इसको प्राइवेटाइजेशन कहा गया। गवर्नमेंट की इंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर को दे देना। अब हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, इनसफिशिएंसी बढ़ते जा रही थी और रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो क्यों ना उन रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, और क्योंकि रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपना जो स्किल्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies. मतलब public sector companies में जो भी ownership और management होगा वो government का होगा, तो government withdraw कर लेगी। और दूसरा by outright sale of public sector companies, मतलब कि public sector companies की share को private sector को बेच देना, ठीक है, तब वो company privatize हो जाएगी। तो privatization में concept आता है disinvestment का, जो कि बहुत important होता है। तो disinvestment होता क्या है? Disinvestment is privatization of the public sector undertakings by selling off part of the equity of PSUs to the public. मतलब कि जो भी public sector enterprises हैं उनके जो shares होते हैं, ठीक है, company के जो shares हैं उनको कुछ parts को बेच देना public को, ठीक है। Selling part of the equity मतलब part of the shares of companies to the public, उसको कहते हैं हम लोग disinvestment, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम बहुत सारा पार्ट बेच देंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, सेकंड हमारा क्या था, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। सेकंड तरीका था हमारा पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना, वो था आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो प्राइवेटाइजेशन में यही होता है कि आपके पब्लिक सेक्टर कंपनीज के कुछ शेयर्स के पार्ट को हम लोग बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये क्यों किया गया था, किया इसलिए गया था ताकि फाइनेंशियली डिसिप्लिन आए और मॉडर्नाइजेशन आए। इसके अलावा ये माना जाता है कि प्राइवेट कैपिटल जो है उससे बढ़ेगा ही, और उन लोग की मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर जब इन सारी चीज़ों को देगा तो उससे क्या होगा, इनफ्लो FDI भी आएगा, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन आएगा, तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा हमारे कंट्री में, ठीक है। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSUs बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ये तो हो गया बहुत सारे कंपनीज जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। इसके अलावा जो बाकी के PSUs थे उनका कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने उन्हें ऑटोनॉमी दे दी। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो भी ओनर्स और मैनेजर्स हैं वो लोग अब अपने से डिसीजंस ले सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग दी गवर्नमेंट, ठीक है, अब वो लोग जो भी डिसीजंस लेना चाहें दे सकते हैं। और जो PSUs को गवर्नमेंट जो है ये मतलब जिन PSUs को गवर्नमेंट ने ये ऑटोनॉमी दी उनको कहने जाने लगा महारत्नास और मिनी रत्नास में। अब बात करते हैं नवरत्नास एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस पॉलिसीज की। तो हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि गवर्नमेंट ने जो है कुछ PSUs को जो है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ज़्यादा दी थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 9 PSUs को जो है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ज़्यादा दी थी और उनको डिक्लेयर कर दिया था नवरत्नास। नव मतलब 9 होता है, ठीक है, इसे नवरत्नास। ये 1996 में क्या हुआ, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को लाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को जो है डिक्लेयर कर दिया गया एज नवरत्नास, ठीक है। वो कैसे किया गया, उन लोगों को ग्रेटर मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया गया। तो अब जो है वो जितने भी मैनेजेरियल डिसीजंस हैं वो लोग खुद से ले सकते थे, जो भी ऑपरेशनल डिसीजंस हैं वो लोग खुद से ले सकते थे, और इससे क्या होगा, प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 9 PSUs इसलिए नवरत्नास। इसके अलावा 97 अदर प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस को भी जो है ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी दिया गया, जिनको मिनी रत्नास भी बोला जाता है, ठीक है। तो 9 PSUs इसलिए नवरत्ना किसके किया गया था, एफिशिएंसी के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए।
तो ये जो 9 है वो यहाँ पे मेंशनड है। इसके अलावा बाद में दो PSUs को और जोड़ा गया था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल और MTNL महानगर टेलीफोन टेलीफोन निगम लिमिटेड, इन दोनों को भी बाद में जोड़ा गया था नवरत्नास में। ओके, तो जो भी PSUs को नवरत्ना का टैग दिया गया था, मतलब कि उनकी ऑटोनॉमी, मतलब जो भी मैनेजरियल ऑटोनॉमी थी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी थी, उनको दी गई थी, उसकी वजह से परफॉर्मेंस उन लोग का अच्छा होने लगा। अब इस पर फोकस इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर रही थी, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी कर रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी ये काम कर रही थी, लेकिन जो PSUs है, नवरत्नास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट दे रही थी एट ए नॉमिनल कॉस्ट, मतलब कि थोड़ा लोअर कॉस्ट पे दे रही थी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट था, यहाँ पे थोड़ा लोअर कॉस्ट में मिल जा रहा था। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि आप नवरत्नास को भी थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर दो थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप उन नवरत्नास के कुछ शेयर्स को प्राइवेट को बेच दो। हालांकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नवरत्नास जो है पब्लिक सेक्टर में ही रहेंगी और इनको जो है ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल लेवल पे जो है कम्पिटिटिव होना है और अपने रिसोर्सेज को जो है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू रेज करना है, मतलब कि शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड्स खरीद, बॉन्ड्स के थ्रू, ये सब की वजह से जो है नवरत्नास अपना कैपिटल को रेज करेंगी और ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव होने का ट्राई करेंगी। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है वो आउटकम है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। ठीक है, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, बाहर फॉरेन मार्केट से हमारा कनेक्शन खुल गया, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारा इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमी से अपनी इंडियन इकोनॉमी को जोड़ना ग्लोबलाइजेशन किया था। ठीक है, या कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना ग्लोबलाइजेशन का काम होता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो छोटा होता जा रहा था। ठीक है, कनेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ रहे थे, लिंक्स ज़्यादा बढ़ रहे थे, इंडिया के लिंक जो है बाकी बहुत सारे कंट्रीज से बढ़ रहे थे जो कि बहुत दूर भी रहती थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करने को मिल रहे थे जो कि बाहर से थे, फिर बाहर की कंट्रीज़ को भी इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स यूज़ करने को मिल रहे थे। तो इससे क्या हुआ, कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था और जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे कंट्रीज़ का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि पूरा जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि छोटा होते जा रहा है, मतलब लोग सारे कंट्रीज क्लोज होते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन का एक आउटकम भी है, वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब होता है, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स देखिए, आउट एंड सोर्सिंग। आउट मतलब बाहर एंड सोर्स मतलब बाहर का सोर्स। तो आउटसोर्सिंग में क्या होता है, कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस from external sources, mostly from other countries, which are previously provided internally or from within the country. Outsourcing बाहर का सोर्स, मतलब कि अब कंपनी जो है बाहर से सर्विसेज को जो है ले रही है जो कि प्रीवियसली इंडिया से मिल जाता था। ठीक है, आउटसोर्सिंग इसलिए कर रही है ताकि उन लोगों को जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, जैसे एडवर्टीजमेंट में और ज़्यादा आइडियाज़ मिल सके, लीगल एडवाइस में और अच्छी एडवाइसेस मिल सके। ठीक है, तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज से भी अब ले पा रहे थे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था कि कनेक्शन बढ़ गया था और हमारा जो जो भी रिफॉर्म्स आए थे उसकी वजह से कम्युनिकेशन बढ़ा था, हमारा जो आईटी सेक्टर जो ग्रोथ हुआ था उसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेट बहुत सारी दूसरे कंट्री से ईजिली कर पा रहे थे। क्योंकि कम्युनिकेट ईजिली कर पा रहे थे तो सर्विसेज लेना भी ईजी हो पा रहा था। तो मैनी ऑफ दी सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ये सब जो है अब हम लोग को मिल पा रहा था और इवन इंडियन लोग भी बाहरी कंपनीज को हेल्प प्रोवाइड कर पा रहे थे। अब जैसे कि मैंने बताया आईटी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा था तो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स जो है जितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई थी तो उसकी वजह से मतलब यहाँ पे काम हो रहा है तो दूसरी कंट्री में उसी टाइम जो है इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा था सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया से USA तक और बहुत सारी कंट्रीज तक। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हुआ क्योंकि बाहर से अगर हम लोग को सर्विसेज मिलेगा तो बाहर की आइडियाज, बाहर का कल्चर और बाहर का अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस किया था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कैट को और इसका फाउंडेशन हुआ था 1995 में।
ठीक है, एज अ सक्सेसर ऑफ जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, डब्ल्यू टी ओ कैट को रिप्लेस करके बना था। तो डब्ल्यू टी ओ क्या एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम है जहाँ पे नेशंस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएं ट्रेड पे और फ्रीली जो है इंटरनेशनली ट्रेड हो सके गुड्स का, सर्विसेज का, और इस तरीके से हो कि इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल ट्रेड मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज, बाई मतलब टू, और मल्टीलैटरल मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। तो हमने देखा था कि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, टैरिफ्स को हटा गया था, टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया था और बहुत सारे बैरियर्स को हटा दिया गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही है कि आप जो है ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करो और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुँचे, ठीक है। इंडिया ने भी जो है क्योंकि एक डब्ल्यू टी ओ का मेम्बर है तो उसके कमिटमेंट्स को रखते हुए इसने भी, इंडिया ने भी इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस जो थे उसको हटाकर और जो भी एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी कम कर दिया गया ताकि ट्रेड जो है ईजिली हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए उससे क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। तो सबसे पहला फ़ायदा ये था कि जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई थी। 1980 to 1991 में क्या था, हमारी जीडीपी थी 5.6% का ग्रोथ हमारे जीडीपी में देखने को मिल रहा था, लेकिन 1992 to 2001 तक वो ग्रोथ बढ़ के 6.4% हो गया। इसका मतलब हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है इंक्रीज हुई थी रिफॉर्म के पीरियड में। अब मैंने क्या कहा, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, ओवरऑल मतलब कि जीडीपी में तीन सेक्टर्स आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। रिफॉर्म पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डिक्लाइन कर गई थी और जो ग्रोथ हुई थी सर्विस सेक्टर में हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो 5.6% से 6.4% का ग्रोथ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इस मतलब इस पीरियड में। तो सर्विस सेक्टर में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, इसके अलावा और कहाँ कहाँ मिला, एक मिला हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। हमें पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी कंट्री में बहुत कम हो गई थी, इवन 14 डेज नहीं चलने वाली थी। तो हमने क्या किया, अपनी रूपी को डीवैल्यूएट कर दिया, उसकी वैल्यू को कम कर दी, तो उससे क्या हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो $6 था 1990 to 1991 तक, $6 बिलियन 1990 to 1991 तक, वो बन चुका था $125 बिलियन 2004 to 2005 तक, ठीक है। इसके अलावा जो FDI था, FII था, FDI होता है जो फॉरेन लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं हमारे एसेट्स में, और FII होता है जो फॉरेन लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज कर गया था बहुत ज़्यादा, $100 बिलियन था 1990 to 1991 तक, और 2010 to 2011 में ये हो गया था $400। ये थोड़ा पुराना डेटा है लेकिन 2010 to 2011 तक ये हो गया था $400, मतलब 4 times इंक्रीज हो गया था। तो ये FDI FII तो बढ़ा ही, इसके अलावा इंडिया जो है एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बना ऑटो पार्ट्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, IT सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल का, ठीक है। और हमारा प्राइस लेवल भी बहुत जो ज़्यादा हाई हो गया था उस टाइम वो भी अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। तो ये सब आ गए हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। सर्विसेज, सर्विस सेक्टर इंप्रूव किया है, FDI FII फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये तीनों इंप्रूव किए, एक्सपोर्टर बना ऑटो पार्ट्स का, IT का, सॉफ्टवेयर का, टेक्सटाइल का, और हमारा प्राइस राइज था वो कंट्रोल में है। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जिसकी जो कि नेगेटिव पॉइंट्स इसमें कह सकते हैं, जो हम लोग अगले स्लाइड से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, एग्रीकल्चर में वो कम हो गई थी इस रिफॉर्म के पीरियड के टाइम पे, जिसमें इरिगेशन आता था, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज सब आते थे, ठीक है। तो ये जो है रिफॉर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट इसकी कम हो गई थी। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, ठीक है, ये जो है कम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट रिमूव हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि अब जो है उन्हें सब्सिडाइज कम रेट पे मिलता नहीं था तो उन्हें खरीदना पड़ता था और उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके अलावा WTO की बहुत सारी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम हुई, जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब इंपोर्ट्स जो है लोग आराम से कर ले रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स का भी, तो जो फार्मर्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब इंडियन फार्मर्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कैसे फेस करेंगे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी स्ट्रेटजीज थी एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से फोकस शिफ्ट हो गया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे,
ठीक है, कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा उगाने का फोकस करने लगा और फूड ग्रेन्स पे असर पड़ गया। तो उसकी वजह से जो प्राइस रिफॉर्म पीरियड में मेंटेन हुई थी, अब थोड़ा बहुत प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आने स्टार्ट हो गए थे। हमने देखा था जीडीपी ग्रोथ में सिर्फ सर्विस सेक्टर की इंक्रीज की वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ पड़ा था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर पे असर पड़ा था। तो हमने देखा एग्रीकल्चर पे कैसे असर पड़ा, उसी तरह देखते हैं इंडस्ट्री पे कैसे असर पड़ा, और मोर और लेस ये सेम है। तो जैसे कि बाहर से इम्पोर्ट्स की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो इंडिजिनस फार्मर्स बनाते मतलब उगाते थे उस पर असर पड़ा था, उसी वजह से क्या हुआ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की वजह से अब जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री के अंदर लोग बनाते थे उसकी डिमांड कम हो गई और लोग जो सस्ते में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स थे उस पर ज़्यादा फोकस करने लगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो हुई कि डिमांड कम हो गई, ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी हमारे पास ज़्यादा थी नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा था नहीं। और इसके अलावा हम जो है अपना कोटा सारा हटा दे रहे थे, लेकिन जो बाकी की डेवलप्ड कंट्रीज थी जैसे कि यूएसए, उन्होंने अपना कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाया था। मतलब हम चाहे कितना भी चाहे इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया अपना कोटा रिस्ट्रिक्शन रखा था। ठीक है, मतलब कि इंडिया जो है हमें कुछ ही परसेंटेज ऑफ तक दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। हम चाहे तो यूएसए से 100 भी ले सकते हैं, उन लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि यूएसए ऐसे किया हुआ भी 10 ही हम लोग दे सकते हैं यूएसए को। ठीक है, तो इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा ख़राब हुआ था। पहला वही हो गया कि चीप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कमज़ोर थी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी एक्सेस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए हैज़ नॉट रिमूव देयर कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये दो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तीसरा आता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को बेच देना प्राइवेट को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्राइवेटाइजेशन में। तो हर साल जो है गवर्नमेंट फिक्स करती थी एक टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का पीएसयूज का। तो जैसे 91 टू 92 में टारगेट रखा गया था कि 2500 रुपीस करोड़ जो है मिल जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट को मिला 3040 करोड़। अच्छी बात है, मिल गया, लेकिन क्रिटिक्स ने यह बताया कि जो पीएसयूज के एसेट्स थे उनको अंडर वैल्यू किया गया था। मतलब जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत कम वैल्यू पे बेचा गया था प्राइवेट सेक्टर को, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट से मिला भी था उसका यूज जो है पीएसयूज को डेवलप करने के लिए या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नहीं किया गया, वो किया गया शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो कि गवर्नमेंट को हो रहा था उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया हमें। ठीक है, क्योंकि एक तो अंडर वैल्यू हुआ तो ऐसे ही हमें कम मिला, ऊपर से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था पीएसयूज का उसका हम लोग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट में थे, तो एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए उस डिसइन्वेस्टमेंट का यूज़ हो रहा था। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट नेगेटिव साइड की, जो कि है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज मतलब होता है टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें हमने अभी देखा था कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम लोग जो है उसको बस अपने रेवेन्यूज का जहाँ शॉर्टेज था उसको पूरा करने के लिए कर रहे थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने लिमिट सेट कर दी थी ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर्स। इसके अलावा जो टैक्स रिडक्शन किया गया था जिसकी वजह से हम लोग ये सोचे थे कि अब लोग टैक्स से उससे बचना नहीं चाहेंगे, वो भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं हुआ, गवर्नमेंट की टैक्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट ये आता है कि जो कस्टम ड्यूटीज हटाई गई थी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई गई थी, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड तो हमारा थोड़ा बहुत बढ़ गया, फॉरेन लोग भी अट्रैक्ट हो गए, लेकिन हमें जो रेवेन्यू चाहिए वो एक्सपोर्ट से मिलेगा। अब क्योंकि हमने कस्टम ड्यूटी हटा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, तो हमें ज़्यादा प्राइस पे हम लोग बेच नहीं सकते हैं। तो उससे भी क्या हुआ, हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि हम लोग ज़्यादा जो रेवेन्यू वहाँ से भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुई, इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम हुई क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ईजिली मिल जा रहे थे। डिसइन्वेस्टमेंट में देखा गया कि अंडर वैल्यू हुआ था और हम लोग यूज़ कर रहे थे उसका प्रोसीड्स को जो शॉर्टेज ऑफ रेवेन्यू था उसके लिए। उसके अलावा जो टैक्सेशन था उसमें टैक्स ज़्यादा मिल नहीं रहा था, और जो भी कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया था उसकी वजह से अब हम लोग ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते थे।
ठीक है, तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, कि हमारा सर्विस सेक्टर की वजह से जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, एफडीआई आया, एफआईआई आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, प्राइसेस आए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ का हम लोग एक्सपोर्ट अब कर सकते हैं। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स किसी भी चीज़ का होता ही है, और हम लोग को ये डिस्कस करना ही था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है, ये बात तो माननी पड़ेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ की है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया है, तो हर चीज़ का बहुत नेगेटिव पॉइंट्स होता है, तो इस रिफॉर्म्स में भी था ही। सो इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।